कहानी की शुरुआत में दो लड़कों को दिखाया जाता है जिनका नाम सरू और गुड्डू होता है। वो दोनों सके भाई होते हैं और वो अपने गुजारे के लिए ट्रेन से कोयला चोरी करते हैं और एक दुकान पर कोयला बेचकर पैसे वसूल करते हैं। जिस दुकान पर वो कोयला बेचने जाते हैं वहाँ पर जलेबियाँ बन रही होती है और सरू अपने भाई गुड्डू को बोलता है कि मुझे जलेबी खानी है और गुड्डू बोलता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें जलेबियाँ दिला सकूं। और उसी समय सरू बोलता है कि भाई देखना, तुम एक दिन हम सारी जलेबियाँ जरूर खरीदेंगे। और वो दोनों कोयले के बदले दो पैकेट दूध लेकर वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों हंसते खेलते घर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उनकी एक छोटी बहन और माँ बैठी होती है। और सरू अपनी छोटी बहन को एक फूल देता है और अपनी माँ को दूध के लिफाफे दे देता है। और जब गुड्डू और सरू दोनों दूध पी रहे होते हैं, उनकी माँ उनसे पूछती है कि तुम यह दूध कहाँ से लेकर आए हो, और वो दोनों उस बात का कोई भी जवाब नहीं देते। और जब रात के समय गुड्डू काम पर जाने लगता है तो सरू अपने भाई से कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। तभी उसका भाई उसे मना कर देता है क्योंकि काम पर भारी सामान उठाना पड़ता है जिसके लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। तो उसी समय सरू अपनी ताकत से एक कुर्सी को उठाता है, साथ ही साथ उस साइकिल को उठाने की कोशिश करता है। सरू कहता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। सरू की जिद करने पर उसके भाई को उसे अपने साथ काम पर ले जाना पड़ता है। इतना बोलते ही गुड्डू अपने भाई को अपने साथ काम पर अपने साथ ले जाता है। जब वो साइकिल पर जा रहे होते हैं तो सरू बहुत खुश होता है कि वो काम पर जा रहा है। इसके बाद वो दोनों रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। तभी सरू अपने भाई गुड्डू की गोद में सो जाता है। गुड्डू उसे उठने के लिए बोलता है, पर सरू छोटा बच्चा होने के कारण उसे बहुत नींद आ रही होती है। गुड्डू उसे एक टेबल पर लेटा देता है और कहता है कि मैं कल सुबह काम कर वापस लौट जाऊंगा और तुम यही रहना, कहीं मत जाना। जाने से पहले सरू अपने भाई को कहता है कि तुम जब भी लौटोगे तो मेरे लिए जलेबी लेकर आना। वो बोलता है कि ठीक है। सरू कहता है कि 2000 जलेबियां। इसके बाद उसका भाई गुड्डू काम पर चला जाता है। कुछ ही देर बाद जब रात हो जाती है तो स्टेशन पूरी तरह से खाली हो जाता है। पूरे स्टेशन पर सिर्फ एक ही बच्चा होता है, वो सरू होता है, और वो सामने खड़ी ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद उसे नींद आ जाती है और सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो ट्रेन चल रही होती है। सरू ये देखकर डर जाता है और ट्रेन में चारों तरफ भागने लगता है। वो अपने भाई को आवाज भी देता है, साथ ही साथ और ट्रेन के दरवाजे खोलने की भी कोशिश करता है, पर दरवाजा पूरी तरह से बंद होता है। इसीलिए ट्रेन के कई बार रुकने के बाद भी वो ट्रेन से बाहर नहीं निकल पाता। ट्रेन का डिब्बा पूरी तरह से खाली है और तभी उसे भूख लगने लगती है, पर वो इस ट्रेन में फंस चुका है। उस दिन का सफर तय करने के बाद ट्रेन कोलकाता वेस्ट बंगाल पहुंच जाती है, यानी सरू के घर से 1600 किलोमीटर दूर। सरू मध्य प्रदेश के खंडवा स्टेशन पर पहुंच जाता है, जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। वो टिकट काउंटर पर जाता है और कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, और वहां पर सब बंगाली होते हैं और वो सब बंगाली में ही बात कर रहे होते हैं। सरू को किसी की बात समझ में नहीं आती और वो वही स्टेशन पर बैठे अपने जैसे कुछ बच्चों के साथ जाकर बैठ जाता है, जिनके पास कोई भी घर नहीं होता। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर कुछ लोग आते जो बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। सरू किसी तरह से वहाँ से भाग निकलता है और वो एक बार फिर से रात के अंधेरे में इस बड़े शहर में पूरी तरह से अकेला होता है। उसे बहुत भूख भी लग रही होती है। तभी उसे एक मंदिर दिखाई देता है, तो वो तुरंत मंदिर में जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर कई लोग सो रहे होते हैं। तभी वो देवी माँ की मूर्ति को हाथ जोड़ के प्रणाम करता है और नीचे थाली में पड़ा प्रसाद उठाकर खा लेता है। अगली सुबह सरू रेल ट्रैक पर चल रहा होता है क्योंकि वो अपने घर जाना चाहता है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम नूर होता है। वो सरू से पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं खो गया हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। तभी नूर उसे अपने घर ले जाती है और उसे खाना देती है और उसे नहलाती है। वो कहती है, कल सुबह एक आदमी आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलवा देगा। अगली सुबह वहाँ पर एक आदमी आता है और वो सरू को कहता है कि मैं तुम्हें एक जगह पर ले जाऊंगा और वहाँ से तुम अपनी माँ को ढूंढ पाओगे। और वो आदमी नूर को बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, हमें ऐसे ही बच्चे की तलाश थी। सरू को उन दोनों की बातों पर शक होने लगता है और अगली सुबह सरू वहाँ से भाग जाता है। सरू अपने कई दिन हावड़ा ब्रिज के आसपास
पास गुजारता है और उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है, पर वो अपने घर नहीं जा पाता क्योंकि उसका घर 1600 किलोमीटर दूर है। सरू को इसी तरह यहाँ पर 2 महीने बीत जाते हैं और एक सुबह जब बारिश हो रही होती है वो हावड़ा ब्रिज के नीचे बैठा होता है। इसके बाद वो एक कैफे के बाहर बैठा दिखाई देता है। तभी वहाँ कैफे के अंदर एक लड़का कुछ खा रहा होता है और बाहर बैठा सरू उसकी नकल उतार रहा था और सरू उस लड़के को भूख लगने का इशारा भी करता है। वो लड़का बाहर आता और सरू को कुछ खाने को देता। इसके बाद वो लड़का उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। वो बताता है कि इस लड़के को बंगाली बोली नहीं आती, ये हिंदी में बात करता है। जब मैंने उससे पूछा कि ये कहाँ से है तो उसने बताया कि ये गणेश तलाई से है। इस जगह के बारे में ना ही उस लड़के को और ना ही उस पुलिस वाले को कुछ पता होता है क्योंकि ये मध्य प्रदेश में एक बहुत छोटा सा गांव है। लड़का सरू से पूछता है, तुम्हारी माँ का क्या नाम है? सरू कहता है कि मेरी माँ का नाम अम्मी है। दरअसल उसे अपनी माँ का नाम नहीं पता होता। पुलिस उसके घर का पता ढूंढने की बहुत कोशिश करती है पर सरू के घर का, उसके गाँव का, उसके परिवार का कुछ भी पता नहीं चलता। पुलिस वाले उसका नाम पता और उसी फोटो खींच कर अपने पास रख लेते हैं कि अगर कुछ पता चले तो उसे बता देंगे। इसीलिए पुलिस उसे एक अनाथालय में भेज देती है। सरू 3 महीने वहाँ पर गुजारता है और 3 महीने के बाद सरू से एक औरत मिलने आती है जिसका नाम मिसेस सूद होता है। वो बोलती है कि मेरा काम यह है कि तुम जैसे बच्चों को उनके ठिकाने पर पहुंचाना है क्योंकि तुम जैसे बच्चों को यहाँ नहीं बल्कि अपने ठिकाने पर होना चाहिए। वो सरू को बताती है कि पिछले 3 महीनों से हम तुम्हारी अम्मी को, तुम्हारे परिवार को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे हैं पर कुछ भी पता नहीं चला। हमने कोलकाता के अखबार में इश्तेहार भी दिया जिस अखबार को हर रोज 1.5 करोड़ लोग पढ़ते हैं पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तभी मिसेस सूद उसे बोलती है कि हमने एक कपल ढूंढा है जो तुम्हारी देखभाल करना चाहते हैं और वो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। वो बहुत अच्छे लोग हैं, तुम उनके साथ बहुत खुश रहोगे, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। इसके बाद मिसेस सूद सरू को अपने साथ अपने घर ले आती है जहाँ पर कुछ और बच्चे भी होते हैं। मिसेस सूद सबको इंग्लिश के कुछ शब्द सिखाती है जैसे कि टेबल मैनर्स और कुछ चीजों के नाम और सब कुछ सिखा देती है। और अब सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है जहाँ पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू, जिन्होंने सरू को अडॉप्ट किया होता है, उसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। जॉन की पत्नी जिसका नाम सू है वो गाड़ी में जाते हुए पूरे रास्ते सरू को ही देखती रहती है और वो घर पर पहुंच जाते हैं। और सरू जो छोटे से मिट्टी के घर में रहने वाला लड़का जब इस घर को देखता है तो पूरी तरह से हैरान होता है। सरू को ये अपने घर से बिल्कुल अलग लगता है और वो बहुत गुमसुम भी होता है क्योंकि ये देश, यहाँ के लोग और यहाँ की हवा, मिट्टी सब सरू के लिए पूरी तरह से नए हैं। सरू की मॉम जिसका नाम सू है वह सरू से इंग्लिश में कहती कि मुझे पता है कि तुम्हारा सफर इतना आसान नहीं था, तुम मुझे इस वक्त कुछ नहीं बता पाओगे पर एक दिन जरूर आएगा और तुम मुझे सब कुछ बताओगे। और एक साल बाद सरू धीरे धीरे इनकी भाषा, इनका रहन सहन सीखना शुरू कर देता है। बहुत जल्द वो इन सब के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सियू उसे अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं और एक दिन वो सभी एक बीच पर घूमने जाते हैं और वहाँ पर खूब मजे करते हैं और सरू भी बहुत खुश होता है। जॉन और सू अपने बेटे की जिंदगी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने देते। एक साल बाद ये एक और बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं पर वो लड़का इनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता, वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ इस बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो इसकी मदद करना चाहते हैं। उसी रात को मिसेस सू रो रही होती है, सरू उनके पास जाता है और उनके आंसू साफ करता है और उनको गले से लगा लेता है, यानी कि अब सरू ने पूरी तरह से उन्हें अपनी माँ मान लिया है। और 20 साल बीत जाते हैं और सरू अब बड़ा हो चुका है। मिस्टर जॉन उनकी वाइफ जो सरू के मॉम डैड है उनको सरू पर गर्व होता है क्योंकि सरू होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए मेलबोर्न जा रहा होता है। वो अपने उस भाई से भी मिलता है जिसे मिस्टर मिसेस जॉन ने सरू के बाद गोद लिया था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। इसके बाद हम देखते हैं कि सरू का कॉलेज में पहला दिन था और वो होटल मैनेजमेंट की क्लास में पहुंच जाता है जहां पर सब अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। सरू कहता है कि वो अपना होटल खोलना चाहता है जिससे वो खूब पैसे कमा के अपनी जेब में डालना चाहता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो इंडिया में कोलकाता से हैं। इसके बाद यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब के सब हाउस पार्टी रखते हैं जहाँ पर सरू भी जाता है। यहाँ बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी होते, इसीलिए यहाँ पर खाने में वो लोग स्पेशल इंडियन स्टूडेंट के लिए इंडियन फूड भी बनवाते हैं। और सरू जब वहाँ पर जलेबियाँ देखता है तो उसे बचपन याद आ जाता है।
जाता है। जब उसने अपने भाई गुड्डू से जलेबी खाने के लिए कहा था और उसके भाई गुड्डू ने कहा था कि वो उसे जलेबी जरूर दिलाएगा, सरू ने कहा था कि एक दिन वो सारी जलेबी खरीद लेंगे। सरू को जब वो समय याद आया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने दोस्तों को बताता कि वो कोलकाता से नहीं, वो किसी और जगह से है। बचपन में वो खो गया था, वो ट्रेन में बैठ गया था और जब ट्रेन रुकी तो कलकत्ता पहुंच गया था। यहाँ पर लड़के उससे पूछते हैं कि वो ट्रेन में कितने दिन तक था। सरू कहता है 2-3 दिन तक वह ट्रेन में ही था और जब ट्रेन रुकी तो वो कोलकाता में उतरा। जब उसके गांव का नाम पूछते हैं, सरू कहता है गणेश तलाई, लेकिन सरू को अब ये भी नहीं पता था कि अपने गाँव का नाम कैसे बोलूं, क्योंकि उसे हिंदी बोलनी नहीं आती थी। वो सिर्फ इंग्लिश ही बोल सकता है और अपने आप के बारे में बताने लगता है कि वो कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के नीचे रहता था। यहाँ पर एक लड़का उसे कहता है कि कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज से जहाँ पर तुम बचपन में पहुँचे थे और वहाँ से हम टाइम और ट्रेन की स्पीड से कैलकुलेट करें और वापस जाएं तो हम तुम्हारे गांव के आसपास की रेडियस में पहुँच सकते हैं। यहाँ पर एक लड़की उसे गूगल अर्थ के बारे में बताती है। वो कहती है कि गूगल अर्थ की मदद से तुम दुनिया की किसी भी जगह को आसानी से ढूंढ सकते हो, पर सरू इस बारे में और ज्यादा बात करने से मना कर देता है। इसके बाद सरू उस पार्टी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और उसके साथ एक लड़की भी होती जिसका नाम लूसी होता है। ये दोनों एक दूसरे से काफी अटैच होते हैं, इसीलिए रात को ये दोनों एक दूसरे से फिजिकली बहुत क्लोज हो जाते हैं। अगली सुबह जब सरू उठता है तो उसे अपने परिवार की, अपने घर की, अपने गाँव की याद आती है। उसे एहसास होता है कि उसके खो जाने के बाद उसकी माँ, भाई, बहन उसके लिए कितना परेशान हुए होंगे और वो तभी गूगल अर्थ एप्लीकेशन के जरिए और साथ ही साथ उस कोलकाता रेलवे स्टेशन से अपने घर की जो दूरी होती है उसकी कैलकुलेशन करके हर तरह से अपने गांव गणेश तलाई को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसकी सारी कोशिश पूरी तरह से नाकाम हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 3 साल बीत जाते हैं। लूसी का और सरू का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर सरू आज भी अपने परिवार के लिए परेशान है। उसे कई बार अपने भाई की झलक दिखाई देती है। उसे एहसास होता है कि उसका भाई उसे कह रहा है कि उसे घर चले जाना चाहिए। सरू अपने परिवार की यादों में इतना डूब जाता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वो उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करता है। और एक दिन सरू और लूसी के बीच में कोई बातचीत हो रही होती है और सरू लूसी से कहता है, तुम मेरे से बेहतर इंसान डिसर्व करती हो, और वो दोनों अलग हो जाते हैं और सरू बहुत परेशान रहने लगता है। और कुछ दिन बाद सरू को दोबारा लूसी मिल जाती है और मिलने के बाद लूसी उसे कहती है कि तुम्हें अपनी मोम के पास जाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। जब सरू अपनी मोम के पास जाता है तो उसे बोलता है, तुमने मुझे इसलिए अडॉप्ट किया था क्योंकि तुम माँ नहीं बन सकती। पर सरू की माँ ने सरू से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, जॉन और मैंने डिसाइड किया था कि हम दो बच्चों को अडॉप्ट करेंगे क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप की जरूरत है। और सरू की माँ उसे अपने परिवार के बारे में बताती है और बोलती है कि जब मैं छोटी थी तब उसके डैड बहुत शराब पीते थे और एक दिन जब वो अपने घर के पीछे जाती है और सोच रही होती है कि काश धरती मुझे निगल ले, और वो सरू को बोलती है कि अब मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है और तुम मुझसे बात भी नहीं करते। और उसके बाद सरू को एहसास होता है कि उसे अपनी माँ का साथ देना चाहिए। इतना सुनते ही वो वहाँ से चला जाता है और साथ ही सरू अपनी असली माँ और भाई को भी ढूंढना शुरू कर देता है और गूगल अर्थ पर इंडिया के नक्शे पर अपने गांव को ढूंढने लगता है। वो ट्रेन की पटरी को फॉलो करता हुआ नक्शे पर आगे की तरफ जाता रहता है और उसे एक रेलवे स्टेशन पर पानी की टंकी दिखाई देती है जिसे देखकर उसे कुछ याद आता है और वो दोबारा फिर से पटरी को फॉलो करना शुरू कर देता है और वो उस जगह के सारे एरिया को अच्छे से देखता है और अपने गाँव को ढूंढता है और आखिरकार उसे अपना गांव मिल ही जाता जिसका नाम गणेश तलाई होता है और वो बहुत खुश होता है और धीरे धीरे उसको अपने घर का रास्ता भी याद आने लगता है। फिर आखिर में वो अपना घर ढूंढ ही लेता है और खुशी से रोने लगता है। अगली सुबह होते ही वो अपनी फ्रेंड लूसी के घर जाता है, उसे बोलता है मैंने अपना घर ढूंढ लिया है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो अपनी मोम को अपने गांव के बारे में बताता है तो उसकी मोम और डैड दोनों बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं तुम्हें वहां जाना चाहिए। और सरू जहाज में बैठकर इंडिया पहुंच जाता है और जब सरू अपने गांव को देखता है तो उसे याद आता है कि वो उस जगह पे कितना खेला करते थे और जब वो अपने घर को देखता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। जब वो आसपास के लोगों से अपने भाई, बहन और माँ के बारे में पूछता है तो कोई भी उसकी भाषा को समझ नहीं पाता
क्योंकि सरू को हिंदी बोलनी नहीं आती थी और आगे के लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आती थी। तभी वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जिसे इंग्लिश आती होती है, तो सरू उसे बताता है कि यहाँ पर जो लोग रहते थे वो कहाँ होंगे। पर वो आदमी बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और सरू उस आदमी का पीछा करते हुए उसके साथ ही चला जाता है। और आखिर में वो देखता है कि सामने से एक बुरी औरत आ रही होती है और वो कोई और नहीं सरू की माँ होती है। और वो दोनों एक दूसरे को देखते ही गले लगाकर रोने लगते हैं और पूरे गांव वाले भी सरू को देखकर बहुत खुश होते हैं कि वो 25 साल बाद वापस आ गया है। और तभी सरू अपनी माँ से अपने भाई गुड्डू के बारे में पूछता है, तो उसी माँ अपना सर हिलाने लगती है। तभी साथ में खड़ा एक आदमी बोलता है कि गुड्डू इस नो मोर, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, और वो रोने लगता है। फिर वो देखता है कि उसकी बहन जिसका नाम शकीला होता है वो कितनी बड़ी हो गई है और वो फिर से खुश हो जाता है। और वो ऑस्ट्रेलिया में अपनी मोम डैड को कॉल करता है और बताता है कि वो अपने घर पहुंच गया है। और फिर सरू वो सभी जगह पर जाता है जहां पर वो बचपन में खेला करता था। और सरू जहां पर भी जाता तो उसे गुड्डू की याद आने लगती। वो सोच रहा होता है कि वो बचपन में कितना खेला करते थे, पर उसे पछतावा होता है कि वो कभी अपने भाई गुड्डू को नहीं मिल पाएगा। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।